Hello my beautiful friends, I am Anjali and welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about sari blouses. तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब हमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शिफॉन की साड़ियाँ निकाल लेनी चाहिए, कॉटन की साड़ियाँ, सो दैट समर को थोड़ा सा हम अच्छे से टैकल कर सकें. बट वाई नॉट बी स्टाइलिश, हम थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो सकते हैं और अच्छे स्टाइलिश साड़ी ब्लाउजेस से हम एक सिंपल लुकिंग साड़ी को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसे और ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हैं. तो अभी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस साड़ी के इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, इवन मार्केट्स में अवेलेबल हैं. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट दैट. तो मैं आपसे कुछ ऐसे यूनिक डिज़ाइंस साड़ी ब्लाउजेस के शेयर करूंगी. तो ये जो साड़ी ब्लाउजेस के डिज़ाइन मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, इन्हें आप अपने वर्क एरिया में पहन सकते हैं. अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो भी आप इन्हें पहन सकते हैं एंड इट लुक्स रियली एलिगेंट एंड ग्रेसफुल. सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ आइडियाज़ मिलेंगे और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सारी ब्लाउज़ में आप बैक साइड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो पीछे के साइड के लिए आप इस तरह के बटन डिज़ाइंस को चूज़ करिए. इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद डीप नेक्स, तब तो ये डिज़ाइन आप ही के लिए है. सिंपल कुछ बटन्स ऐड कर देने से, बटन की डिटेलिंग हो जाने से ये ब्लाउज़ कितना एलिगेंट लग रहा है, कितना स्टाइलिश लग रहा है. किसी भी सिंपल साड़ी के साथ आप इसे पेयर कीजिए, दिस विल स्टैंड आउट. बटन्स को आप डिफरेंट स्टाइल में लगा सकते हैं, थोड़ा दूरी पे या फिर बिल्कुल इस तरह क्लोजली आप इसे लगा सकते हैं, या फिर आप साइड में भी इस तरह कट दे के बटन्स को लगा सकते हैं. ये देखिए, ये एक सिंपल स्क्वायर नेक है और नीचे की तरफ साइड में लूप्स के साथ बटन की डिटेलिंग दी गई है. यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक और प्लेन फैब्रिक को मैच करके पाइपिंग देके बटन की डिटेलिंग दी गई है. तो इस तरह आप डिफरेंट डिज़ाइंस बटन से बना सकते हैं. यहाँ पे एक की होल डिज़ाइन है और बटन से उसे डेकोरेट किया गया है. अब इस ब्लाउज डिज़ाइन को आप देखिए, इसमें सिंपल बटन की पीछे डिटेलिंग है और वेस्ट पार्ट में दो स्ट्रिप्स के उसे टाई करके एक नया डिजाइन दिया गया है, जो कि एक स्मार्ट लुक क्रिएट कर रहा है. बटन्स की जगह आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि इस ब्लाउज में सिंपल रिबन्स को बो के शेप में ऐड किया गया है. बटन्स की जगह यहाँ पे टैसल का यूज किया गया है, ये भी इसको एक ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं. अब इस नेक डिज़ाइन में फैब्रिक को क्लोजली ना लगा के थोड़ा सा गैप दिया गया है और बड़े बड़े लूप्स के साथ बटन की डिटेलिंग दी गई है. दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इसमें कट वेस्ट लाइन की तरफ दिया गया है, ना कि नेक लाइन की तरफ. सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट. और जो सिंपल बटन्स की डिटेलिंग है, एक डोरी और टैसल यूज़ करके वेस्ट लाइन को थोड़ा सा शेप दिया गया है. एंड दिस ब्लाउज इज़ लुकिंग सो एलिगेंट विद सिंपल साड़ी. इस तरह के की होल डिज़ाइंस भी आप दे सकते हैं अपने बैक साइड ऑफ ब्लाउज में, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल वेयरिंग दीज काइंड ऑफ डिज़ाइंस. कुछ डिफरेंट करने के लिए ये देखिए, आप कुछ फैब्रिक्स को ऐड करके इस तरह के नेक डिज़ाइंस भी दे सकते हैं. नाउ दिस इज़ सो सिंपल एंड एलिगेंट. जस्ट एक डोरी और लूप्स की मदद से ब्लाउज इज़ लुकिंग सो एलिगेंट, सो ग्लैमरस. And if you are comfortable with deep necks, then you can wear these kind of designs with beautiful bow, piping की detailing डालिए, V neck या फिर U neck भी आप डाल सकते हैं. इस ब्लाउज में दो स्ट्रिप्स को क्रिस क्रॉस लगा के एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्रिएट किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज़ स्लीव डिज़ाइंस. तो हम अपने ब्लाउज़ के स्लीव्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो देखिए, इस तरह आप अपने सिंपल लॉन्ग स्लीव्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ इलास्टिक यूज़ करके गैदर्स दे दीजिए, इट विल लुक सो नाइस. इस ब्लाउज़ में देखिए, सिंपल लॉन्ग स्लीव्स में नीचे की तरफ गैदर्स दे के एक डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, जो कि ब्लाउज़ को एक नया लुक दे रहा है. इस साड़ी डिज़ाइन में पफ स्लीव्स यूज़ किया गया है, तो आप बड़े पफ्स चूज़ कीजिए या फिर छोटे पफ, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. बहुत ही स्मार्ट लुक देता है. पीटर पैन कॉलर है यहाँ पे और पफ स्लीव्स में लेस का यूज़ किया गया है, और लेस का यूज़ करने से साड़ी ब्लाउज़ की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. यहाँ पे छोटे पफ के साथ लॉन्ग स्लीव्स बनाया गया है एंड दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी एलिगेंट. डेल स्लीव्स भी बना सकते हैं आप अपने सारी ब्लाउजेज़ में, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देता है आपके ब्लाउज़ को। तो इस तरह से आप प्लीटेड बेल स्लीव्स बना सकते हैं, जिसमें कि सिंपली आपको कुछ प्लीट्स देने हैं अपने फुल स्लीव्स के बॉटम पार्ट में, और आपका बेल स्लीव्स तैयार है। यहाँ पे फैब्रिक का जो प्रिंट है दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, और साड़ी को वो इन्हांस कर रहा है। बेल स्लीव्स होने की वजह से साड़ी को एक मॉडर्न लुक मिल रहा है। सेम बेल स्लीव्स को आप अपनी पार्टी वेयरिंग ब्लाउजेज में भी इस तरह से बना सकते हैं, विच विल लुक रियली नाइस। तो बेल स्लीव्स भी आप कई तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे गैदर्स दे के बेल स्लीव्स बनाया गया है, आप प्लीट्स दे के भी बेल स्लीव्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेल स्लीव्स है उसे 3 लेयर में बनाया गया है, तो वो एक रफल वाला लुक दे रहा है, विच इज़ लुकिंग अगेन वेरी स्मार्ट। यहाँ पे 2 लेयर में बेल स्लीव्स को लगाया गया है, और एक प्लेन साड़ी को ये एक स्मार्ट लुक दे रहा है। ये देखिए, इस डिज़ाइन में पफ स्लीव्स में छोटे छोटे से गैदर्स ऐड करके डिज़ाइन क्रिएट किया गया है, और उसी गैदर्स को नेकलाइन पे भी लगाया गया है। अपने साड़ी ब्लाउज़ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने साड़ी ब्लाउज़ के वेस्ट लाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए। इस साड़ी ब्लाउज़ में आप देख सकते हैं फैब्रिक को यूज़ किया गया है कुछ प्लीटेड डिज़ाइन देने के लिए। एक सिंपल तरीके ने इस साड़ी ब्लाउज़ का लुक ही चेंज कर दिया है। इंस्टेंटली ये एक स्टाइलिश ब्लाउज़ लगने लग गया है। अब इस ब्लाउज़ को देखिए, एक प्लेन सिंपल ब्राउन कपड़ा है, लेकिन वेस्ट लाइन को प्लेन ना रख के एक प्लीटेड डिटेलिंग दी गई है, जिसकी वजह से ये ब्लाउज़ कितना स्टाइलिश लग रहा है। अब इस रेड प्लेन ब्लाउज में भी सेम प्लीटेड डिटेलिंग दी गई है, लेकिन लेयरिंग में दी गई है, तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन गए हैं, एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। इस तरह से आप पॉम्पॉम को भी यूज़ कर सकते हैं ब्लाउज़ के वेस्ट लाइन में लगाने के लिए। एक प्लेन सिंपल स्लीवलेस ब्लाउज है, लेकिन वेस्ट लाइन में कुछ पॉम्पॉम ऐड कर देने से ब्लाउज की ब्यूटी ही चेंज हो गई है। ओके, कॉलर नेक भी आपके ब्लाउज़ को काफ़ी स्टनिंग और स्मार्ट बना देते हैं। अगर आपको थोड़ा फॉर्मल लुक चाहिए, थोड़ा स्मार्ट लुक चाहिए, तो आप डेफिनेटली कॉलर नेक ट्राई करें। डिफरेंट डिज़ाइंस आते हैं कॉलर नेक में भी, तो जो भी आपकी चॉइस है आप उस हिसाब से अपने डिज़ाइन को चुनें, अपने टेलर को दिखाएं और ज़रूर बनवाएं। फ्रंट की ओपनिंग दें, आप चाहें तो उसमें बटन्स लगवा सकते हैं, या फिर इस तरह से आप शर्ट कॉलर भी सिंपल वे में बनवा सकते हैं। ये वाइट शर्ट कॉलर ब्लाउज़ है और इसे सिंपल ब्लैक साड़ी के साथ पेयर किया है, बट इट्स लुकिंग सो एलिगेंट एंड स्मार्ट। यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, इसमें सिंपल कॉलर नेक है एंड बटन की डिटेलिंग दी गई है। पीटर पैन कॉलर बहुत ही क्यूट और स्मार्ट लगता है, छोटा सा बटन इसमें लगाया गया है, एंड पफ स्लीव्स यूज़ किया गया है। अब इस सिंपल वाइट साड़ी को देखिए, दिस इज़ लुकिंग सो स्मार्ट जस्ट बिकॉज इसके ब्लाउज़ में एक प्यारा सा कॉलर यूज़ किया गया है, नथिंग स्पेशल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आप अपने क्रॉप टॉप्स को, अपनी कुर्तियों को, अपने कुर्ती टॉप को एज अ साड़ी ब्लाउज़ पहनिए। अगर आपके पास इस तरह के क्रॉप टॉप्स हैं या फिर नॉर्मल टॉप्स हैं, उन्हें भी आप एज अ साड़ी ब्लाउज़ पहन सकते हैं। इस तरह के अगर आपके पास कुर्ती टॉप्स हैं तो उन्हें अपनी कॉटन की वाइब्रेंट साड़ियों के साथ पेयर कीजिए। ये देखिए, ये एक कोटा डोरी साड़ी है और उसे कॉटन के स्लीवलेस कुर्ती टॉप के साथ पेयर किया गया है, एंड इट्स लुकिंग सो एलिगेंट। गर्मियों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल फैब्रिक होता है और आपके लिए इजी है पेयर करना। जस्ट आप थोड़े से क्रिएटिव हो जाइए। अपने कॉलर नेक जैकेट्स अगर आपके पास हैं तो उन्हें भी आप इस तरह पेयर कर सकते हैं अपनी साड़ीज़ के साथ। स्लीवलेस टॉप्स हैं, इस तरह के पफ स्लीव्स कुर्तियाँ हैं, उन्हें भी आप कॉन्ट्रास्ट कलर में पेयर कर सकते हैं। आप अपनी वाइट शर्ट को या फिर कोई भी आपकी नॉर्मल शर्ट है उसे आप अपनी साड़ी के साथ एज अ साड़ी ब्लाउज़ पेयर कीजिए। एंड यस, अगर आप अपनी लॉन्ग कुर्तीज़ को इस तरह अपनी साड़ीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें। सो दिस वॉज माई टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ये सारे डिज़ाइंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके मुझे बताएं आप और कौन से वीडियोज़ देखना चाहते हैं। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। ऐसे ही और स्टाइलिश अपडेट्स के लिए मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू ऑल स्टे हैप्पी, बाय बाय। It's not for me to say.